मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें UMB न्यूज को। और किस जिले की आप मौसम जानकारी जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं पूरे देश के मौसम का हाल। IMD का यूपी MP राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी से यातायात ठप। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें MP राजस्थान तमिलनाडु महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शामिल है। स्काईमेट के मुताबिक केरल में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हिमालयी राज्यों में भारी बारिश बर्फबारी की आशंका है। उधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सड़कें और ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं। बर्फबारी के कारण हिमाचल और जम्मू कश्मीर में गुजरने वाले कई हाईवे बंद हो चुके हैं। हिमाचल के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटों में शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति, सिरमौर, कुन्नौर में बर्फबारी का अनुमान है। IMD ने 3 दिसंबर तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। तूफान से प्रभावित रहेगा मौसम। इस तूफान के कारण 3 से 5 दिसंबर तक MP, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान दक्षिण भारत में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 18 से 27 डिग्री के बीच रह सकता है। आज यूपी के इन जिलों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन यूपी में बारिश की संभावना जताई है। बढ़ती ठंड के साथ ही कई हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहेगा। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर में बारिश होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 2 दिसंबर के बाद मौसम में बदलाव आएगा और तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी और ठंड के तेवर तीखे होंगे। मौसम विभाग ने MP के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इनमें नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अतिरिक्त कटनी, जबलपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर और देवास जिले शामिल हैं। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और बिजली के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर संभाग के जिले, रीवा संभाग जिले, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, निवाड़ी, पन्ना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, भिंड, आगरा, मालवा और शाजापुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। 3 और 4 दिसंबर को एक और नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही उदयपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। आज उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। वहीं 3 और 4 दिसंबर को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में कोहरे का प्रभाव भी बना रहेगा। 10 दिसंबर के बाद ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, बक्सर, जहानाबाद जिले के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। हरियाणा के आसपास पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी व दक्षिण भागों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में हल्की वर्षा की संभावना है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।